चूज वन फेरी। आपको कोई भी एक फेरी चूज करनी है। 5 टॉपिक्स हैं आपके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहला टॉपिक, आपका और उसका फ्यूचर में क्या रिश्ता होगा। ये जानने के लिए अपनी फेरी चूज करो, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लग रही हो अभी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट वाली चूज करी है तो अच्छे दोस्त का रिश्ता होगा, और सेकंड वाली का आंसर है हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होगा फ्यूचर में। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक, क्या इस टाइम वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। पिंक या ब्लू फेरी चूज करो, कोई भी अपनी। अगर आपने अपने लिए ब्लू वाली चूज करी है तो आंसर है नहीं, वो अभी किसी और को मिस कर रहे हैं। और सेकंड वाले का आंसर है वो आपको ही मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। अब आपका थर्ड वाला टॉपिक है, क्या उसको इंतज़ार है आपके प्रपोज़ करने का। वो वेट करते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करो या नहीं। तो दोनों में से फेरी चूज़ करो। फर्स्ट वाली फेरी का आंसर है हाँ, वो वेट करते हैं आपके प्रपोज़ करने का। और सेकेंड वाले का आंसर है नहीं, उनको वेट नहीं है आपके प्रपोज़ करने का, क्योंकि हो सकता है वो आपको खुद ही प्रपोज़ करें। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है, क्या आप भी उसका पहला और आखिरी प्यार हो या नहीं। इसके लिए भी अगर आपने फर्स्ट फेरी को चूज़ किया है तो यस, आप उसका पहला और आखिरी प्यार हो। सेकंड वाली का आंसर है नो। देन अब इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला टॉपिक, क्या आपका क्रश आपसे प्यार करेगा। अगर आप अपने क्रश से प्यार करते हो और वो आपसे नहीं करते तो क्या इन फ्यूचर करेंगे या नहीं। सो फर्स्ट वाले का आंसर है हाँ, वो आपसे प्यार ज़रूर करेंगे। और सेकेंड वाले का आंसर है शायद नहीं करेंगे वो।